ंगल में सं धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद जिस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है फिर से याद करें और मनन करें बड़ी सरल भाषा में सदगुरु कबीर हमें जगाते हैं किंतु हम जग नहीं पाते सोते ही सोते ही रह जाते हैं साहब ने भी कहा है जो जागल तो भागल हो रमैया राम सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम जागने का अर्थ क्या है भागना अब किससे भागना है कहां भागना है और भागकर कहां जाना है इस समझने की बात है भागने का मतलब जो गलत कर्म है गलत आचरण है गलत व्यवहार है गलत खान पान है इनका त्याग करना है जीवन के जो दोष दुर्गुण है दुराचरण है इनका त्याग करना भागना होता है भागने का मतलब ये नहीं है कि घर में झगड़ा हुआ तो घर छोड़ करके भाग गए कहाँ जाओगे भाई घर में झगड़ा हुआ कोई बात मन के अनुकूल नहीं हुई तो क्रोध में आ गए आज ही पढ़ा मैं कि आदमी इतनी उत्तेजना में रहता है इतना अहंकार में जीता है कि क्या कहा चाय बनाने में पत्नी को कल पांच मिनट की देरी, देरी हुई पांच मिनट की देरी हुई हत्या कर दिया पत्नी की तुम तो मेरी बात नहीं मानता पांच मिनट की देरी में कितना आदमी अहंकार में जी रहा है कितना आदमी घोर अज्ञान की नींद में जी रहा है थोड़ी सी भी प्रतिकूलता होती है मन का अनुकूल काम नहीं होता क्या से क्या उत्पाद कर लेता है आदमी बेहोशी इस बेहोशी का जो त्याग है इसी का नाम भागना है इसी का नाम जागना है संसार में हम कहीं भी रहे सब कुछ हमारे मन के अनुकूल नहीं होगा सोच ले कि हम स्वयं क्या सबके मन के अनुकूल काम कर पाते हैं जो लोग ये चाहते हैं चाहे घर में रह कर के चाहे मठ आश्रम में रहकर या कहीं भी रह कर मैं जहां भी रहूं सब कुछ मेरे मन के अनुकूल ही हो क्या वह व्यक्ति सबके मन के अनुकूल काम कर पाता है जब हम स्वयं सबके मन के अनुकूल काम नहीं कर पाते तो सभी लोग हमारे मन के अनुकूल काम करें यह कैसे संभव हो सकता है और यदि हम जरा से भी प्रतिकूलता सहन नहीं कर पाते उलझन में पड़ जाते, जाते हैं, तेजना तो में पड़ जाते हैं इतनी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ अपने को बुद्धिमान विद्वान ज्ञानी समझदार चतुर मानने का अर्थ क्या होगा जो भजन भक्ति करते हैं पूजा प्रार्थना करते हैं ध्यान चिंतन करते हैं साधना का, का काम करते हैं इन सब का अर्थ क्या हुआ जो भजन भक्ति है सेवा साधना है ध्यान चिंतन है पूजा पाठ है सब का अर्थ होता है सहनशील होना सहने की आदत बनानी पड़ेगी बिना सहने की आदत बनाए कहीं भी न सुख से जी सकते हैं न सुख से रह सकते हैं सहना और हर जगह सहना पड़ेगा हर जगह सहना पड़ेगा कहां सहना, पड़ेगा। कहां सहना नहीं होगा जो लोग तो ये, ये कहते हैं कि मैं किसी का सहन नहीं करता उसे, उसे और अधिक सहन करना पड़ता है और सबसे अधिक तो अपने मन का ही सहता है माता पिता का सह लिए थोड़ा बड़े बुजुर्गों का सह लिए गुरुजनों का सह लिए झुक गए विनम्र हो गए तो उसमें हमारा भला है हमारे हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है झुकना तो सीखना होगा जो झुकना नहीं सीखता है कहता वो कहता है कि मैं झुक नहीं सकता जल्दी से जल्दी उसका पतन होता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रामन सीता का हरण करके ले गया था सभी ने समझ, सभी ने समझाया मंदोदरी पत्नी ने भाई ने बेटे ने और गुरु ने सी ने मंत्री ने सब ने समझाया तो अंत में रावण ने कहा था कि उन्होंने समझाया यह था कि सीता को लौटा दो लड़ाई करना उचित तो नहीं है इतने बिना है तब रावण ने कहा था मैं टूट सकता हूं झुक नहीं सकता परिणाम सब जानते हैं तो झुकना तो पड़ेगा सहना तो पड़ेगा, तो पड़ेगा। तुम्हें कह रहा था जागने का अर्थ भागना है अब भागने का अर्थ घर छोड़कर भागना नहीं है स्वभाव वही है आदतें आदते पुरानी ही खराब की खराब है झगड़ने की आदत है तो पहले घर में झगड़ते थे साधु हो गए तो मठ में झगड़ोगे पैसा के, के लिए झगड़ोगे जमीन के लिए झगड़ोगे गुरु बनने के लिए झगड़ोगे महान बनने के लिए झगड़ोगे आदत तो वही है ना ये दो गंदी आदतें हैं गंदा स्वभाव है गंदा व्यवहार है इसका त्याग करना भागना है और यही जागना है और इसी का नाम भजन है इसी का नाम पूजा करना है ध्यान चिंतन करना है मैं कह रहा था कबीर साहब का पद उस साहब ने यही बताया है याद करें सदगुरु सरणे जाए के तामत त्यागी भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए उठ लागे सो रार रार महान नीच है जही घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए गल अमृत तेरे पात घोर क्यों ना पीजिए अमृत फल सुझे नहीं अमृत फल हाथ स्वान को यही स्वभाव गहे पुण्य को जाकर जन स्वभाव गहे जाकर जन स्वभाव छुटे नहीं जीव सो निम्न मीठा होचे गुड़ घीव सो माला तेरे हाथ कतरनी कांख में आग बुझी मत जान दबी है राख में कहा भय है बात कहे तेरे पीव को ऊपर की सब बात फले तेरी जीव को कही कबीर पुकार समझ मन भावना हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना बड़ी सरल पंक्तियां हैं बड़े सरल पद है व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है अपने आप सारी बातें समझ में आ जाती है लेकिन इन बड़े सरल शब्दों में सदगुरु कबीर ने जीवन का पूरा रहस्य भर दिया है समझा दिया है एक पंक्ति पर्याप्त है हमारे कल्याण के लिए यदि हम चिंतन और मनन कर सके साहब ने कहा है आधी साखी कबीर की चार वेद का जी मेरी जो आधी साखी है एक पंक्ति है वो चारों वेदों का सार है साहब गर्वोक्ति नहीं करते सहजोक्ति साधिकारोक्ति है विचारने की आवश्यकता है नडियाद गुजरात में एक जगह है बड़ौदा अहमदाबाद के बीच में वहां संत राम जी महाराज का मंदिर है संत राम जी महाराज ने कहा है आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ करी जान संत राम जग झूठ है सार शब्द पहचान कबीर की आधी साखी मतलब एक पंक्ति करोड़ों ग्रंथ से भी अधिक मूल्यवान और वजनदार है हम कबीरपंथी हैं कबीर साहब को मानने वाले हैं इसलिए हम ऐसा नहीं कह रहे हैं ये हकीकत है मूल बात पर मैं आता हूं साहब कहते हैं कि सदगुरु सरणे जाए के तामत त्यागी हम गुरु के भक्त हो गए हैं गुरु की भक्ति करते हैं सेवा करते हैं हम धार्मिक हैं हम पुजारी हैं हम भगत हैं हम साधु हैं हम महात्मा हैं इन सब का अर्थ क्या होता है इन सब की पहचान क्या है वेश बना लेना दाढ़ी चोटी बढ़ा लेना जनेऊ पहन लेना छाप तिलक लगा लेना कंठी माला पहन लेना ये सब बाहरी वेश है अलग अलग पंथ संप्रदाय में अलग अलग वेश चलते हैं मान्यता सबकी अलग अलग होती है कोई किसी की पूजा करता है कोई किसी को पूजा कोई की, की पूजा करता है कोई किसी मंदिर में जाता है कोई किसी मंदिर में जाता है कोई किसी भगवान को मानता है कोई किसी भगवान को मानता है ये भिन्नता है लेकिन जो मूल बात है वो सबके लिए एक जैसी होती है धार्मिक होने का पुजारी होने का भगत होने का सत्संगी होने का साधु संत महात्मा होने का अर्थ क्या है साहब कहते हैं तामस त्यागी है। तामस उत्तेजना क्रोध तामस अंधकार अज्ञान अज्ञान का अंधकार जब रहेगा तो तेजना भी रहेगी क्रोध भी रहेगा बैर विरोध भी रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा और अज्ञान का अंधकार मिट गया तब न तेजना रहेगी न क्रोध रहेगा और ना कहीं मन में कोई गलत धारणा गलत भावना रहेगी मूल बात है अज्ञान के अंधकार को दूर करना और इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है गुरु का अर्थ ही बताया गया है अज्ञान अंधकार ज्ञानांजन सलाकाया चुरूनिमी तस्मय श्री गुरु मेना जो अज्ञान के अंधकार में ज्ञान की शलाका जला दे मतलब जो बोध देकर उपदेश देकर हमारे ज्ञान को दूर कर दे और हमारे अंतकरण में ज्ञान का प्रकाश कर दे वो गुरु गुरु का अर्थ ही है ज्ञान दाता, प्रकाश कारण गुरु का अर्थ है हमें गुरु कौन जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर असत्य से सत्य की ओर मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का काम करते हैं वे गुरु हैं इसलिए गुरु की अपार महिमा है गुरु की शरण में गए गुरु की भक्ति भी कर रहे हैं किंतु अज्ञान दूर नहीं हो रहा है वही लोभ वही मोह वही मन के विकार वही वासना वही इच्छा तृष्णा वही लड़ाई झगड़ा कला तो कैसे माना जाए कि हम गुरु के भक्त हैं भगवान के भक्त हैं धार्मिक हैं पुजारी हैं पहचान क्या है मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ तो गुरु का ज्ञान कहां मिला है? असत्य का राग नहीं छूटा सत्य प्रति अनुराग नहीं हुआ तो गुरु की भक्ति करने का अर्थ क्या है बाहर से गुरु की भक्ति करना गुरु की सेवा करना भोजन पानी प्रबंध करना यह व्यवहारिक है इसकी आवश्यकता है लेकिन किस लिए कर रहे हैं हम ये सत्संग का आयोजन भी क्यों हो रहा है कि हम लोग सफेद कपड़े तो पहने हैं और लोग ऊपर मंच पर बैठ जाएं और आप लोग आकर नीचे बैठ लें हम लोग ज्ञान की बातें झाड़ दें और आप लोग सुन लें भंडारा खा लें चल दें क्या इसीलिए सत्संग होता है यदि इतने में ही हैं हम लोग मानते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारा काम है कहना सुना देना बस आप लोग माले नीचे बैठना किस महात्मा लोग आए हैं चलो सुन लेते हैं हमारा काम है सुनना तो हम लोग भी डूबे हैं और आप लोग भी डूबे हैं और दोनों मिलकर के सब के सब डूब रहे हैं कुछ तो अंदर होना चाहिए ना कहीं तो फर्क होना चाहिए एक आदमी धार्मिक है एक आदमी सत्संगी है और एक आदमी अधार्मिक है कभी संतों के पास जाता नहीं संत महात्मा को मानता ही नहीं लेकिन दोनों झगड़ रहे हैं सत्संगी भी झगड़ रहे हैं वो भी झगड़ रहे हैं तो तो सत्संग जो नहीं आता उसे प्रेरणा कहां से मिलेगी जब सत्संगी मनुष्यों के जीवन में दिखाई पड़े सत्संग में आए बैठे एक घंटा दो घंटा तीन घंटा सत्संग शुरू किए सत्संग सुने बड़े पर सत्संग सुने और आश्रम के बाहर या पंडाल के बाहर गए तो तमाम भट्टियां शुरू हो जाती है धुआं निकालने वाले एक ओर तो से भट्टी चालू, चालू हो जाती है तो मतलब क्या हुआ तो सत्संग तो जो सत्संग में नहीं आते उनको क्या प्रेरणा मिलेगी दिए गे गे। कुछ तो दिखना पड़ना चाहिए, चाहिए ना तो अज्ञान से ज्ञान की ओर असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर धीरे धीरे भी यात्रा हो तो हमारा सत्संग करना पूजा पाठ करना ये सब सार्थक हो जाएंगे इसलिए सदगुरु कहते हैं सदगुरु जाए जाके तामस त्यागी गुरु की शरण में गए हो सत्संग भक्ति कर रहे हो तो भी, भीतर जो अज्ञान का अंधकार है इस अंधकार को दूर तो करो अज्ञान दूर हो जाएगा तो उत्तेजना तो दूर होगी होगी विषय के विकार तो दूर होंगे होंगे अन्य जो बुराइयां हैं सब दूर हो जाएंगी मूल अज्ञान है और अज्ञान जब करने से दूर नहीं होगा केवल घंटी हिलाने से पूजा करने से आरती गाने से दूर नहीं होगा इसके लिए ज्ञान का कर, चाहिए और ज्ञान चाहिए, चाहिए। का। मतलब सत्संग सुन लेना पुस्तकें पढ़ लेना और सत्संग सुनकर पुस्तक पढ़ करके कुछ बातों को जान लेना यह ज्ञान नहीं है जानकारी है सत्संग में जो बातें बताई जाती है और कही जाती है ग्रंथों में हम जो बातें पढ़ते हैं जीवन में उनका आचरण करना ये ज्ञान है और जो आचरण करने वाला होता है जिस जो अपने कर्मों को सुधार लेता है जो आचरण का त्याग कर देता है वही ज्ञानी हो जाता है वही पंडित, पंडित हो जाता है पंडित का मतलब ज्ञानी समझदार महाभारत में बात आती है पूछा गया है पंडित कौन तो, 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 तो पूछा गया है युधिष्ठिर से तो युधिष्ठिर ने यह नहीं कहा कि जो अमुक जाति में पैदा होता है अमुक वर्ण में जो पैदा होता है जो कंठी पहन लेता है जो बेसास्त्र को पढ़ता है वह पंडित होता है उन्होंने पंडित की ऐसी व्याख्या दी कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी पंडित हो सकता है और होता है जनों पहनने की आवश्यकता नहीं है पहन लिए अच्छी, अच्छी बात अमुक, अमुक जाति में पैदा होने के आवश्यकता किसी भी जाति, जाति, जाति में पैदा हुआ व्यक्ति पंडित होता है जाति वैसे जाति का अर्थ होता है पैदा होना समान प्रथवात्मिका जात जाति की व्याख्या दी गई जिनका प्रसव जिनका जन्म का तरीका एक जैसा हो उनकी एक जाति होती है और पूरी दुनिया में मनुष्य के जन्म का एक ही तरीका, तरीका है इसलिए जितने भी मनुष्य हैं मुनुण दुनिया, दुनिया में सबकी एक जाति है वह जाति है मानवता बस यही धर्म है तो मैं तो पंडित वाली बात कह रहा था पूछा गया पंडित कौन तो बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई सुंदर उत्तर दिया गया पठकह पाठ काश्य चाने सर्वे वे मूर्खा यह क्रवां का पंडित पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ये पढ़ने पढ़ाने वाले में सभी लोग सभी लोग आ जाते हैं चाह अन्य शास्त्र और अन्य शास्त्रों को चिंतन मनन करने वाले पढ़ने वाले पढ़ाने वाले और शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले सर्वे भिशन, सभी व्यसनी और मूर्ख हैं जब पढ़ने पढ़ाने वाले मूर्ख हैं तब पंडित कौन होगा केवल विद्यालय में पढ़ने वाले नहीं हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप मान लो पढ़ रहे हैं हम बस ये भी आएगा तो जब पढ़ने पढ़ाने वाले मूर्ख हैं शास्त्रों के चिंतन मनन करने वाले मूर्ख हैं और बेसनी हैं, है। तब तो पंडित कौन यह क्रियावान सब, सब पंडित जो क्रियावान मतलब आत्मा जो चरित्रवान है वह पंडित है जिसे आप समार कहते हो वहां पैदा हुआ है चरित्रवान है तो पंडित है जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो जो चरित्रवान है जिनके जीवन से सारी बुराइयां निकल चुकी है वह पंडित है और जो चरित्रवान होगा आचरण संपन्न होगा सदाचार संपन्न होगा उसके मन में सबके लिए प्रेम अपने आप हो जाएगा इसलिए कबीर साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो ये पोथी, पोथी को पढ़ने वाले पोथी पढ़ पढ़ करके मर मर कर दुनिया से चले गए लेकिन ये पंडित नहीं हुए जो प्रेम को पढ़ता है प्रेम पढ़ने का अर्थ क्या है प्रेम प्रेम रटना नहीं प्रेम पर व्याख्यान देना लेख लिखना नहीं प्रेम पढ़ने का अर्थ है मानव मात्र के प्रति मन से घृणा द्वेष बैर विरोध का भाव निकल कर सबके लिए मन में हित कामना होना ये अमुक जाति में पैदा हुआ इसलिए छोटा है ये अनपढ़ इसलिए छोटा है ये गरीब है इसलिए छोटा है यह भाव नहीं रह गया व्यवहार जैसा है वैसा है क्षमता का भाव जो आदमी को आदमी समझ करके आदमियत का व्यवहार करता है जिसके मन से सारा अहंकार निकल चुका है वह प्रेम पड़ता है और वही पंडित होता है और कोई भी हो सकता है ऐसा पंडित होना हर किसी आदमी के लिए आवश्यक है और यही गुरु की भक्ति कहो भगवान की भक्ति कहो देवता की भक्ति कहो ये, ये सब की भक्ति करने का फल होता है सुंदर चरित्र और मानव मात्र के लिए समता एकता प्रेम का भाव यदि यह नहीं हुआ तो हमारा सब कुछ करना निरर्थक हो गया तो सदगुरु ने जाए के तामत त्यागे सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु के शरण में गए हो तो अंदर का जो तामस है अज्ञान का जो अंधकार है वो अंधकार दूर कर दो और उसी के लिए अंदर ज्ञान के दीप जलाने की आवश्यकता है और मैं अक्सर ये कहा करता हूं दिए तो सब जलाते हैं मंदिरों में जाते हैं लोग दिए जलाते हैं घर में मंदिर दिए जलाते हैं देहरी पर मंदिर जलाते हैं तुलसी चौरा पर मंदिर जलाते हैं रात्रि समय घर में तो दिया जलाते ही तो जलाते हैं आजकल तो बत्ती आ गई है बल्ब लगा लिए हैं इस बल्ब जल रहा है ट्यूबलाइट भी, भी प्रकाश आ रहा है फिर भी एक छोटा सा दिया डेहरी पर लाकर डाल दिए या कि किसी की मूर्ति चित्र है वहां पर जला दिए क्या जरूरत है फिर तीन का खुला प्रकाश है मंदिर में जाएंगे दिया जला देंगे अभी देखो इतना प्रकाश फैला हुआ है आरती होगी थोड़ी बत्ती बता देंगे गुरु को दिखाएंगे क्या दिखलाएंगे क्या गुरु जरूरत है आरती की क्यों जलाया जा रहा है सब एक परंपरा का निर्वहन है लेकिन इसके पीछे एक संदेश ही पाहा और संदेश हम ग्रहण नहीं करते बस देखा देखी देखा देखी करते चले जाते हैं न तो गुरु को उस आरती की आवश्यकता है न मंदिर में बैठे भगवान को दिए की आवश्यकता है आवश्यकता हमें है हमारे लिए है लेकिन हमारे लिए है तो हम समझने कहां है मंदिर में दिए जलाने का अर्थ हो होता है वहां तो दिया जल ही रहा है प्रकाश है ही भीतर मंदिर में गुरुचित्र सामने आरती करने का अर्थ होता है हमारा जो हृदय मंदिर है हृदय आंगन है उस हृदय आंगन में ज्ञान का भक्ति का प्रेम का दिया जले और जब तक हृदय मंदिर में या हृदय के आंगन में ज्ञान का भक्ति का प्रेम का धर्म का दिया नहीं जलेगा जिंदगी भर दिया जलाते रह जाओ रहोगे दुखी के दुखी चाहे हम है चाहे आप कोई हो मंदिर में दिया मत जलाओ एक भी दिया जला मत जलाओ मंदिर में गुरु की आरती ना करो हृदय में धर्म, धर्म का प्रेम का दिया जला ले बस कल्याण हो, हो जाएगा सारा दुख खत्म हो जाएगा और यही गुरु की भक्ति करने का किसी भक्ति करने का फल होता है ये ज्ञान का दिया जलना धर्म का दिया ज्ञान का दिया जलेगा तो अपने आप प्रेम का दिया जल जाएगा धर्म का दिया जल जाएगा किसी एक, एक भक्ति, एक भक्ति का दिया जलेगा तो भी प्रेम, प्रेम का दिया जल जाएगा धर्म का दिया जल जाएगा एक तो दिया जल जले कम से कम जब एक दिया जलेगा जले तो अन्य सारे दिए अपने आप जल जाएंगे तब भक्ति करना सार्थक होगा तब पूजा करना नमाज पढ़ना हाथ दौड़ना ये सब कुछ सफल हो जाएगा और ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा एक पंक्ति सदगुरु कबीर की सदगुरु सने जाए के तामस त्यागी पर्याप्त है हमारे कल्याण के लिए हम सुनते हैं पढ़ते हैं गाते हैं और गाते गाते इतना मस्त हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता पूछो भैया गाय उसका अर्थ क्या है बाबा पता नहीं है गाना भी अच्छा है जरूरी है बोलना भी जरूरी है पढ़ना भी जरूरी है, भी जरूरी है। लेकिन किसके लिए जागने के लिए होशवाब में आने के लिए और जागने का अर्थ बताया मैंने कि दुख मुक्त तो हो जाना दुख कौन चाहता है दुख तो किसी को पसंद नहीं हम है। जितना भी जितने मंदिर बनाए गए हैं है। जितने देवता और भगवान बनाए गए हैं और जितने धर्म के क्षेत्र के में अनेक कर्मकांड बनाए गए हैं क्यों करते हैं आप दुख से बचने के, के लिए लेकिन सब कुछ करने के बाद हमारा दुख खत्म नहीं हो रहा है मन से हमारा बैर विरोध का भाव ईर्षा देश, घृणा का भाव खत्म नहीं और लोभ मोह दूर नहीं हो रहे हैं तो हमारा सब कुछ करना बेकार है और एक ज्ञान का दिया जला करके हमारे मन के जो विकार, लोभ मोह ईर्षा देश, आदि दूर हो गए फिर सब करना सार्थक हो जाएगा जो कर रहे हैं वो बेकार नहीं है लेकिन देखा देखी नहीं करना है सोच समझ करके करना है जो सोच किसी काम को हम सोच समझ तो कर करते, करते हैं तो करना सार्थक होता है और हम एक, एक कदम, कदम आगे बढ़ते हैं हमारे साथी बैठे हुए हैं, हैं। देखते हैं कि गे, 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 हर कदम खुशियों की, की वो तो कैसे होगा सो करके लड़ाई करके झगड़ा करके लोगों में पढ़कर इनका त्याग करके होगा भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी मेरे भीतर ज्ञान का दिया जल गया है धर्म प्रेम का दिया जल गया है ऐसा कोई कह सकता है अज्ञान का अंधकार मेरे भीतर से दूर हो गया है और मेरे जीवन में सदगुरु की भक्ति भगवान की भक्ति उतर चुकी है साहब कहते इसकी कसौटी क्या है कोई तुम्हें भला बुरा कह दे तो उठ करके लगो मत प्रतिक्रिया में मत पढ़ो ये प्रतिक्रिया में पड़ना हार है और हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं किसी ने हमारे विरोध में थोड़ा सा कुछ कहा बस हम दुखी हो गए और लड़ने को तैयार हो गए तो मतलब क्या हो रहा है यह दुनिया है जिसकी जैसी मर्जी होगी वो वैसा कहेगा किसी की जबान को हम बंद नहीं कर सकते किसी के मुख में हम ताला नहीं लगा सकते अपनी जबान बंद करें इस पर हमारा अधिकार है दूसरों पर अधिकार नहीं है हम किसी के लिए अब शब्द का प्रयोग ना करें किसी की हम निंदा बुराई ना करें इस पर हमारा अधिकार है और यही तो भक्ति है यही तो पूजा है और भक्ति भी कर रहे हैं पूजा भी कर रहे हैं दूसरे की निंदा बुराई भी कर रहे हैं मैं अक्सर कहा करता हूं इसे बहुत कुछ ऐसा होता है ये जो देवता बैठे हैं इनमें भी ये जो देवियां बैठी है इनमें भी देवताओं का अपेक्षा ये देवियां ज्यादा व्रत रहती हैं ये व्रत वो व्रत वो व्रत वो व्रत पता नहीं कितने कितने व्रत इनके लिए हैं देवताओं के लिए तो बहुत कम कभी हो गया दीपावली के बाद करवा चौथ उठाता है अब ये देवियां इतने व्रत रहती हैं क्यों कि वही, वही पति, पति बार, 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 बार बार मिले जो शराबी है है तो भी वही वही अगले जन्म में वही शराबी पति ही मिले मारने वाले वही पति मिले अच्छा है ना या फिर अच्छा पति मिले आज तक किसी पुरुष ने करवा चौथ जो, जो का व्रत नहीं किया ताकि मुझे अच्छी पत्नी मिले इनको अच्छा पति अच्छा चाहिए, चाहिए इनको अच्छी पत्नी नहीं चाहिए।, चाहिए तो मैं ये कह रहा था कि तो देवियां, देवियां बहुत व्रत रहती हैं बहुत व्रत रहती हैं और जब व्रत रहती हैं व्रत मतलब है धर्म का काम भक्ति का काम पूजा का काम तो सब सुबह से शाम तक अपना घर का कुछ काम काज करना है दोपहर में भोजन बन गया खा पी कर आराम भी कर लिए और खा पी कर जब आराम कर लिए अब उसके बाद तो काम करना नहीं है शाम को चार पांच बजे तक फुर्सत तो है तब इनकी मंडली जुड़ती है जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं उनकी अलग मंडली और जवान जवान जो बहुएं होती है जो युवतियां होती है उनकी अलग मंडली और, और फिर जब मंडली जुड़ती है तो चुपचाप तो रहना नहीं है वहां शुरू होती है पुराण कथा कौन सी पुराण कथा जो बूढ़ी बडी माता है वहां होती है बहुनिंदा पुराण वहां से चलता है और जब जवान जब जवान महिला है, है सात निंदा पुराण अच्छी भक्ति हो रही ना अच्छा व्रत हो रहा है ये बहुनिंदा पुराण और सात निंदा पुराण की कथा कर सुनना और करना बंद करो फायदा कुछ नहीं होगा अब ये लोग भी देवता लोग भी इकट्ठे हो गए कहो भैया क्या हालचाल लड़का अरे क्या कहें लड़का तो अहंकारी हो गए नहीं मानत बातें नहीं सुनता है उदंड हो गया हो है शिकायत कर कर के अपनी गृहस्थी बर्बाद क्यों करते हो मान लो बेटा बात नहीं मानता बहु बात नहीं मानती दूसरों से कहोगे तो क्या बात मानना शुरू कर देंगे अपने घर की इज्जत क्यों बाहर फैला रहे हो यदि बेटा और बहू बात नहीं भी मानते हैं मान लो गाली भी दे देते हैं कोई पूछे कहो भाई बेटा बहू कैसे हैं अरे कहो भैया बहुत बढ़िया है बहुत बात मानते हैं बहुत अच्छी बातें बाते बाते कहते हैं ऐसा कहो होता है तो सुनते सुनते लग जाए उन लोगों को और बात मानना शुरू कर दे और नहीं जब कहोगे ना बेटा बहू तो भैया बातें नहीं मानते लड़ाई कर झगड़ा करते हैं तो उलट कर बात वहां तक जाएगी फायदा क्या हो जाएगा मैं मूल बात पर आता हूं भला बुरा कह जाए तो उठ ही नहीं लागिए कोई भला बुरा कह दे, निंदा बुराई कर दे तो उठ करके लगा मत साहब ने क्या कहते हैं भली बुरी सबकी सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में मन लागू मेरो यार फकीरी में सबका सुन लो और सुन करके सांक लो पचाने की हिम्मत सुनने, के भी के भी हिद्ग भी हिद्ग सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए गोई और पचाने की भी हिम्मत होनी चाहिए अपनी निंदा सुनने की क्षमता हिम्मत होनी चाहिए और किसी दूसरे ने किसी ने दूसरी निंदा कर दी उस निंदा को पचाने की हिम्मत होना चाहिए लेकिन दोनों नहीं हो पाते हैं। अपनी निंदा सुने एकदम क्रोध में आगे लड़ने को आगे कोई कह दे साहब आप बात तो बहुत बढ़िया कर रहे हो लेकिन आपका मन, मन खराब है बस इतने में, में मेरा मन दुखी हो जाएगा और मैं गुस्से में आ जाऊंगा अपने आप में नहीं रह पाऊंगा ज्ञान सब बेकार चला जाएगा तो फायदा क्या हुआ इतना कहने का तो चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो कोई सामने भी निंदा कर दे तो सुनने की हिम्मत सुनने का साहस और दूसरे किसी ने दूसरे की निंदा कर दी उसको पचाने की हिम्मत एक एक, एक किलो एक एक पाव, आधा आधा किलो एक एक किलो भोजन पचा लेगा आदमी लेकिन कि किसी की बुराई नहीं पचा पाता निंदा का कह, देखो भैया किसी को बताना मत आप एक बता रहा हूं वो क्या कहेगा देखो भैया अमुक ने कहा है किसी को बताना मत हर, हर आदमी ये कहेगा, कि किसी को बताना मत अब बता क्या कहां बात फैल जाएगी तो अपनी निंदा सुन करके शांत रह जाना और दूसरी निंदा को पचा लेना यही भक्ति है यही तो साधना है इसे भक्ति कहो साधना कहो धर्म कहो पूजा कहो कुछ भी कहो यही है सुनना है तो दूसरों की प्रशंसा सुनो और प्रशंसा करो और दूसरे का छाई का, का प्रचार करें बुराई का, का प्रचार कर करके कर क्या होगा क्या हो। बुराई जितना प्रचार करोगी बुराई फैलेगी गंदगी, गंदगी कहीं है उस गंदगी को बताना नहीं फैलाना नहीं गंदगी को ढांकने का काम करना है गंदगी को साफ करने का काम करना है कहीं गंदगी पड़ी हुई तो चालों को बुलाकर क्या? देखो देखो यहां गंदगी पड़ी हुई है फायदा क्या होगा उसको साफ कर दो तो, नहीं साफ करते तो उसको ढक तो दो ऐसे ही ये किसी, किसी की बुराई की, की भी बात है किसी की गलती की भी बात है ढकने का प्रयास करो और कोई हमारे अपनी गलती बता हमारी गलती बता दे तो उस गलती को सुन करके उसे दूर करने का प्रयास करना है यही तो भक्ति है साहब यहाँ कहते हैं भला बुरा, बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागे कोई तुम्हें भला बुरा, बुरा कहे तो उठ करके लगना मत, 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 मत शांत रह जाना सहन कर लेना धीरज रखना क्यों, क्यों? उठ लागे सो रार, तो रार रार महा नीच है उठ करके लगोगे झगड़ा विवाद करोगे तो साहब कहते हैं ये तो झगड़ा बढ़ाना पतन का रास्ता है रार महा नीच है झगड़ा कर करके आज तक, तक किसको शांति मिली है, है। किसका क्या लाभ हुआ, हुआ है तो प्रतिक्रिया में नहीं पढ़ना है।, है उसने गलत बात कह दी तो हम भी ऐसे गलत बात कहें तो फायदा क्या होगा फिर उर्दे और हम में अंतर क्या होगा साहब कहते हैं वो तो वैसा ही हुआ, हुआ। तुम मत हो अन वही निर्गुणी तय गुणमनता मत एक वो तो गलत हुआ तुम भी वैसा काम करके वैसी बात बोल करके उसके जैसा ज्ञानी क्यों बनते हो तुम अपने को समझदार मानते हो ना भक्त मानते ज्ञानी मानते हो और वैसा ही कर रहे हो तो दोनों बराबर हो गए साहब तो वो निर्गुणी है तुम गन, तुम गुणवान हो समझदार हो दोनों के मिलाओ मत कहीं फर्क दिखना पड़ना चाहिए तो उठ लागे सो रार रहा रार नीचे उठ करके लगोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा और झगड़ा बढ़ाओगे बढ़ाओ तब केवल नुकसान केवल नुकसान केवल नुकसान, के नुकसान कहीं भी झगड़ा हुआ है कहीं भी लड़ाई हुई है सिवा विनाश के और कुछ नहीं हुआ है इसलिए झगड़ा से जहां तक है बचना, बचना है विवाद से, 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 से बचना है कला कल्पना से बचना है और प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना है उठ लागे सो रार, रार महा नीचे जय घट उपजे क्रोध सोई घट घटे साहब कहते हैं जब तुम्हारे भीतर उत्तेजना आती है क्रोध आता है और क्रोध आता है तब हमारी पूजा हमारी भक्ति हमारी साधना हमारा धर्म सब कुछ नष्ट हो, हो, हो जाता है हम इस सबसे पतित हो जाते, हो जाते हैं और जब जा, हमारा जब क्रोध आ गया मन में, गया मन में। और मुंह से हम अब शब्द निकालने लग गए तो भक्ति वहां रहेगी भला वहां धर्म रहेगा वहां साधना रहेगी सब तो खत्म हो गए और जिसके जीवन में या जिसके जीवन से पूजा भक्ति धर्म साधना ये सब खत्म हो गए पर उसके बाद बचा क्या जिसके जीवन में न भक्ति है न पूजा है न धर्म है ना साधना है ना संयम है ना सहनशीलता है उसे आदमी भी हम कैसे कह सकते हैं उसे भक्त पुजारी हम सत्संगी कैसे कह सकते हैं सोचने की बात है सुनते हम बहुत बहुत सुन लिए बहुत सुन लिए हैं हम अब बहुत कह भी दे दूसरों को बता भी दिए हैं उतरा नहीं जीवन में, में। उतारने की आवश्यकता है बोलना ना आए।, आए कोई बात नहीं बोलने बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है सुनने की आवश्यकता है और सुनने से भी ज्यादा आवश्यकता जीवन में उतारने की है दवाई, दवाई चाहे कितनी, कितनी सुंदर क्यों ना हो और कितनी महंगी क्यों ना हो और कितने बड़े से बड़े डॉक्टर ने, ने वो दवाई, दवाई का नाम ना लिखा हो बताया हो डॉक्टर बहुत बड़े हैं दवाई बड़ी सुंदर है और बहुत महंगी है क्या उस दवाई का नाम उस दवा का नाम जपने से हमारा रोग दूर हो जाएगा या दवा खरीद करके ले आए ताखे में या अलमारी में रख दिए और रोज उस दवा के दर्शन कर लेते हैं, उठा करके जो रोग दूर हो जाएगा दवाई का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है दवा खाने की आवश्यकता है अब जब दवा खाएंगे औषध का सेवन करेंगे तब हमारा रोग दूर होगा इसी प्रकार हम बहुत जानते बहुत जानते हैं बड़े अच्छे ढंग से बातें कह देते हैं और सुन भी लेते हैं प्रयोग नहीं करते तो हमारा जो रोग है दुख का रोग है अविद्या का रोग है धर्मांतर का जो रोग है यह रोग दूर नहीं हो सकता है हमारा कल्याण नहीं हो सकता थोड़ा थोड़ा ही सही प्रयोग करना होगा हर आदमी को हम सबको सब सब ऊपर बैठे वाले नीचे बैठे वाले सबको सब, सब, सब. अपने जीवन को बनाना होगा प्रयोगशाला थ्योरी बहुत हो जाती है प्रैक्टिकल नहीं हो पाता तो थ्योरी थो, थो, काम नहीं आएगी बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा बस काम बन जाएगा हम लोग थ्योरी तो लो थो कर रहे हैं ना अभी अभी बता रहे हैं मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं सब थ्योरी ही तो है ना मैं प्रैक्टिकल करूं ना आप प्रैक्टिकल करें तो थ्योरी हवा बनकर आकाश में उड़ जाएगी यही तो होता रहा है बड़े बड़े आयोजन हो आय। रहे हैं धर्म के नाम पर बड़े बड़े कथा कीर्तन चल रहे हैं बड़े 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 जागरण के काम हो रहे हैं चारों ओर देखो सुबह सुबह इतनी भक्ति इतनी, इतनी और किसके गीत किसके गीत किसके गीत किसके गीत चारों ओर से आवाज है और फिर भी आदमी दुखी है फिर भी समाज में अशांति है और हर आदमी शिकायत है कि जमाना बिगड़ रहा जमाना बिगड़ रहा है क्यों क्योंकि केवल थ्योरी थोरी थोरी पर हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रयोग करने का काम नहीं कर रहे हैं जो भी प्रैक्टिकल करेगा दुख से मुक्त वही होगा और हर आदमी दुख से मुक्त होना चाहते हैं रास्ता यही है ज्ञान का प्रकाश धर्म का प्रकाश हमारे जीवन में आए हमें अपने अंतकरण में ज्ञान का भक्ति धर्म का दिया जलाना होगा और उस दिये के प्रकाश में काम करना होगा तब हमारा दुख दूर होगा ये जीवन हमारा सफल होगा सत्संगकरण भक्ति सब सार्थक हो, सार्थ हो जाएंगे थोड़ी सी चर्चा मैंने की सदर कबीर वाणी के आधार पर साहब शार कहते हैं तुम गुरु की भक्ति करते हो भगवान की भक्ति करते हो देवता की भक्ति करते हो सेवा भी करते हो इसका फल यही होना है कि भीतर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए ज्ञान का उजाला जले और ज्ञान उजाले में, में चल करके ज्ञान प्रकाश में चल करके हम धीरे 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 अपने दोषों को दुर्गुणों को दूर करते जाएंगे तो इसी जीवन में पूरा का पूरा हम निर्दोष हो सकते हैं और जो निर्दोष हो गया वो दुखों से मुक्त हो गया जीते जी उसका कल्याण हो गया सदगुरु का संकेत है हमारे लिए उनका आदेश है उनका उपदेश है मनन करना है चिंतन करना है और चिंतन मनन करके आचरण करना है बस हमारा मानव जीवन पाना और उसमें उसमें भी संतों का मिलना सदगुरु सदगुरु का मिलना भक्ति करना सत्संग करना ये सब सफल हो जाएगा इसी रास्ते में हमें और आपको चलना है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों दे दे सुना, सब सब का जीवन, में बहुत ध्यान से सुना शुभकामनाएं सब सबका जीवन कल्याणमय मंगलमय हो इन शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को बीरा